आज लेकर आई हूँ एक कटोरी कच्चे चावल से बनाए 100 लोगों के लिए नाश्ता एक कटोरी कच्चे चावल बारह घंटे के लिए चावल को पानी में फूलने के लिए छोड़ देना है चावल को पीस लेना है एक कटोरी शिमला मिर्च एक कटोरी टमाटर एक कटोरी प्याज हरे धना की पत्ती डालेंगे अनुसार नमक डालेंगे एक चम्मच मिर्ची पाउडर डालेंगे सारे मिश्रण को अच्छी तरह से मिला लेंगे तवा को मीडियम आंच पर गर्म करना है एक एक करके चूड़ी तवे पर रख देना है चूड़ी के अंदर चावल और सब्ज़ी का मिश्रण डालेंगे और फैलाते जाएंगे चूड़ी के अंदर और एक एक चम्मच ही डालना है इसके बाद हम चूड़ी को तुरंत निकाल देंगे इसको पलट देंगे इसके बाद हम एक चम्मच ऊपर से ऑयल डालेंगे हमारा नाश्ता तैयार है अब इसको आप चाय के साथ ले सकते हैं